लगन जीत की लगन तुम रखो जीत की लगन जीत की लगन हौसलों पे ना शिकन्ना आए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी बहुत बेस्ट विशेज है पाकिस्तानी टीम को एंड आई होप के वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे एंड वी लव पाकिस्तान। 16 जून को पाकिस्तान इंडिया में, इंशाल्लाह पता है कौन जीतने वाला है। हम अपने ग्रीन टीम जीतेगी, तो आप लोग आओ, जर्सीज लो, हमारी यूथ को सपोर्ट करो। पाकिस्तान यूथ काउंसिल के हम यहाँ पे फंड रेजिंग कर रहे हैं आज, और साथ में अपने जज्बा और पाकिस्तान की जीतने के जुनून के लिए आप हमें सपोर्ट करें, शुक्रिया। I wish them all the best and they have the ability to do miracles. So हमें सपोर्ट करते रहना चाहिए, you know, I mean, we bleed green and हम पाकिस्तानी हैं, so we have to just keep supporting them. और look, it's a sports, हार जीत होती है, कभी लड़के फॉर्म में नहीं होते, कभी you know, there is so many things going on, but inshallah, let's hope for the best and see what happens. पाकिस्तान को होप नहीं हारनी चाहिए, पाकिस्तान जीतेगा, कोई बात नहीं, एक मैच हार गए कोई बात नहीं, लेकिन जीतेंगे, टाइम आएगा जब आप ऊपर जाएंगे, आपको डीमोरलाइज नहीं होना, आप उस टाइम हारते हैं जब आप डीमोरलाइज होते हैं, लेकिन अगर डीमोरलाइज नहीं होते, अपनी गलती से सीखते हैं, तो ऑफकोर्स आप जीतते हैं, तो आई होप कि पाकिस्तान जीतेगा। मेरा ख्याल है कि जिस तरह पाकिस्तानी टीम की पिछले कुछ सीजन से परफॉर्मेंस रही है और पिछले कुछ मैचेस में जिस तरह वो खेल रहे हैं, इट्स रियली नेसेसरी कि दे लुक एट दैट एंड दे चेंज देयर वे दे आर टेकिंग द गेम राइट नाउ, बिकॉज द वे दे हैव बीन प्लेइंग लास्ट फ्यू गेम्स, आई थिंक दैट्स नॉट गोना वर्क इन द वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप इज अ डिफरेंट गेम, इट्स अ नेक्स्ट लेवल, इट्स अ द प्रेशर इज डिफरेंट, द games different, people are looking, everyone's watching, the whole world's watching Pakistan right now, and I think they need to go in the ground with a plan, they have to have a plan and they need to make sure that they execute it properly while they are on the ground, so that's really important that they look and they make sure that they just don't go there and play their natural game, they can't just play their natural game like they do in every other usual match, so they need to focus on what they do and every batsman should think that it's on him to make the match win. Thank you very much.